तो स्टूडियो सेटअप में एक और सेटअप हम ऐड ऑन कर रहे हैं, हाइब्रिड सेटअप, जहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाया जाता है। भमोरिया आईएएस, ये बहुत ही बड़ा नाम है गांधीनगर गुजरात में, और गुजरात में कहो यूपीएससी की कोचिंग कराने के लिए, और सर के जितने क्लासरूम थे वहीं पर हमने उनको हाइब्रिड बना दिया है। तो पीछे बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड लिया है, अगेन यहाँ पे हमने शानदार सा पैनल, एक कैमरा लगाया हुआ है, और इस बार हमने कुछ अलग किया कि यहाँ पे पोडियम के साथ ही हमने जो सिस्टम है, सिस्टम का एक ही सिस्टम का मॉनिटर लगा दिया है, ताकि टीचर कभी लाइव हो रहे हो तो यहीं पर जिस तरीके से देखकर कुछ कमेंट पढ़ना हो तो यहीं पर पढ़ ले। तो ये कुछ हमने इस सेटअप में अलग किया। देखिए मैं थोड़ी सा रहेगा, तो यहाँ पर हमने शिनाइजर का माइक कनेक्ट किया है, और शिनाइजर के माइक के साथ में यहाँ पर ही हमने सिस्टम की स्क्रीन रखी है, और देखो सिस्टम का CPU हमने यहाँ पे रखा है। इस टाइप से यहाँ पे लगता है एम्पलीफायर, यहाँ पे लगते हैं ऑडियो इंटरफेस, माइक एंड सब कुछ। देखो छोटे से एक बॉक्स बनाया हुआ है और उस बॉक्स को पूरा तरह रखा है, और यहाँ पे देखिए पावर केबल हमने स्टैंड के ऊपर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पावर सप्लाई दे रखे हैं, इनकेस कभी नियर फ्यूचर हमें कुछ एड ऑन करना है तो वो कर सकते हैं। एंड रेस्ट आप देखो कि बहुत बड़ा सा क्लासरूम है, और क्लासरूम में अच्छे से स्पीकर्स लगाए हुए हैं, सारे स्पीकर्स हमने प्रॉपरली एड ऑन किए हैं, एंड बहुत ही अच्छा व्यू आता है इस पर। वीडियो क्वालिटी आपको मैं आप YouTube चैनल पे देखेंगे सर के, तो आपको पूरी वीडियो क्वालिटी पे आपको मिल जाएगी, एंड पूरा सिस्टमेटिक वे में बनाए। एंड लाइटिंग आप देखोगे, कोई भी लाइटिंग हमने ऐसे देखो सामने पैनल पे ऐसा दिखा ना, तो कोई भी लाइटिंग अगर आप पैनल पे देखेंगे ना, तो आउटपुट में कोई लाइटिंग रिफ्लेक्ट नहीं करती है। यहाँ पे देखो हमारे पास कॉन्स्टेंट था, तो लाइटिंग कैसे लगाई हुई हमने, इससे डालना थोड़ा देखो, दो तीन लाइट यहाँ पे लगाई है, एक लाइट यहाँ पे लगाई है, उसके बाद दो लाइट यहाँ पर लगाई है, एंड एक लाइट यहाँ पर इस जगह पे लगाई है, यहाँ पर दिखाई गई ऐसे। तो जहाँ पर भी टीचर है वो प्रॉपर हो, तो सामने में एक बार जाने की कोशिश करिएगा प्लीज़ इस साइड से, हाँ ओके। तो यहाँ पे दो तीन फ्रेम बनती है, तो हमने कैमरे का सेंटर ऐसा दिया है कि टीचर पोडियम पर भी खड़ा रहे और साथ साथ यहाँ पर पैनल पर भी खड़ा रहे, तो बहुत ही प्रॉपरली कनेक्ट कर पाए। आइए सेम पैटर्न में हमने दूसरा रूम बनाया हुआ है, एक बार आप देखेंगे कि यहाँ पर भी सेम चीज़ है, मैं लाइटिंग ऑन कर देता हूँ, हाँ तो देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पूरा उसी तरीके से स्ट्रक्चर वही है, स्पीकर सेम है, एंड थोड़ा सा आगे आइए प्लीज़, ये भी पोडियम है, एंड आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये एक पार्टीशन है पैनल लगाने के लिए, एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर, प्लाई पे बना हुआ पार्टीशन है, तब जाके इस पार्टीशन पे पैनल लगा है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे आप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो इतना हेवी पैनल होता है, कुछ 70-80 kg का पैनल होता है, तो इसको प्रॉपरली यहाँ पे इस तरीके से लगाना चाहिए। और सेम यहाँ पे कमेंट रीडिंग के लिए भी सेम चीज़ प्रोसेस यहाँ पर है कि कमेंट रीडिंग करने के लिए, और पैनल टीचर खुद से ऑपरेट करता है यहाँ पर, तो यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है, और ये पूरा जो बॉक्स बना है, ये पूरा ऐसा एक बॉक्स बना है जहाँ पे CPU एंड वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। इसी तरीके से पूरा ये क्लासरूम हाइब्रिड है, हर क्लास यहाँ पे रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड होने के साथ साथ यहाँ पे वही क्लास लाइव जाती है, और फिजिकली 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। तो ऐसा सेटअप अगर आप भी कराना चाहते हैं, हमने गांधीनगर में कम से कम 100 से ज़्यादा सेटअप हमने गुजरात के अंदर करे हैं, ऑल ओवर इंडिया में 1000 से ज़्यादा सेटअप करे, तो अगर आप भी ऐसा सेटअप बनाना चाहते हैं अपने क्लासरूम के अकॉर्डिंग, तो प्लीज़ आप हमसे कनेक्ट करिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे थोड़ी भी वैल्यू मिली तो आप हमारे चैनल टेक्सकॉट को फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।